फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं मटन का अचार, यानी कि गोश्त का अचार, है ना? अम्मी बोल रहे थे क्या, हैरान परेशान? नहीं, सच बोलो। नहीं, मैं बोली कि बच्चे लोग है ना, पिछले साल है ना, मुझे इतने कमेंट्स किए थे गोश्त का अचार। मैं नहीं बनाई थी, मैं दूसरी डिश की तरफ चली गई थी। लेकिन मेरे को पता क्या बोले मेरे, अरे मेरे को तो हैरान कर दिए थे, परेशान कर दिए थे कमेंट कर करके, तो अभी चलो अपनी को जल्दी बनाने। मैं क्या बोली, ये साल है ना, बच्चे ने कमेंट्स करके परेशान नहीं करना, जल्दी से पहले ही बना के डाल देते। हाँ, यानी कि ना लास्ट बकरा ईद के वक्त ना हमने आपसे पूछा था कि बताओ क्या क्या बनाएंगे, उसमें से हमने बहुत सी रेसिपी बनाई जिसमें से बच गया था ये रह गया था गोश्त का अचार, यानी कि मटन अचार, है ना? मजा आएगा ना हमें खाने में, तो इसीलिए हम ये साल यानी कि इस बार बकरा ईद आने से पहले हम बना रहे, ताकि आप अपने बकरा ईद के बाद बना सके। गोश्त बच जाता ना बकरीद में, तो देखो हर किसी के घर में गोश्त बहुत सारा हो जाता है, फ्रिज भर भर के रखते, तो सोचते क्या बनाए आज, क्या बनाए, तो दो चार दिन दबा के खा लो, बाद में बचेला गोश्त है जितना भी है बोनलेस निकाल लो और फिर गोश्त का अचार रेडी कर लो। तो भाई देखो, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होगा, एंड तक देखना। आम का बोरा देखो क्या गोश्त का अचार। चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि हम गोश्त का अचार बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम मटन, चिली फ्लेक्स, कलौंजी, बड़ी सौंफ, राई, पीली वाली राई, लहसुन, अदरक, काली मिरी, अखा धनिया, जीरा, कश्मीरी लाल मिर्ची, ये कबाब चीनी, नींबू, मेथी दाना, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और हींग। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके गोश्त का अचार बनाना। तो मैंने यहाँ पे ली हूँ आधा किलो मटन, ठीक है? यहाँ पे बिना हड्डी का मटन ली हूँ, गोश्त वाला मतलब आप हड्डी वाला बिल्कुल नहीं लेना, चर्बी वाला नहीं लेना, चर्बी निकाल लेना, हड्डी निकाल लेना और बोनलेस वाला मटन ले लेना। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ये मटन को थोड़ा सा ना कूट लूँगी, अगर आपके पास वो कूटने वाला हो तो आप उससे कूट लेना, मैं तो यहाँ पे देखो इससे काम चला रही हूँ, ये जो है ना इससे, मेरे को अभी ये मिल नहीं रहा था कूटने के लिए, तो मैं इससे काम चला रही थी, इससे देख रहे आप, आपके पास जो है उससे आप ऐसा हल्का हल्का सा कूट लेना, इससे क्या होगा पानी भी अच्छे से सूख जाएगा मटन का पकाते टाइम, और जो हमने ये दरदरा सा कूटे है ना इसके अंदर तक खटाई और मसाला चले जाएगा अच्छे से, अंदर का गोश्त हमको प्लेन प्लेन नहीं लगेगा और गोश्त जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, और जल्दी गलेगा, जल्दी अच्छा बनेगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारा गोश्त मेरा अच्छे से मार मार के चपटा कर दी हूँ। अच्छा, ये करने से क्या फायदा है बता देती हूँ आपको, पहली बात तो मैं, गोश्त एकदम जल्दी गलता है, गोश्त में मसाला अच्छी तरह से पकड़ता है और इसको खाने में ना ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाथ से जैसा हम पकने के बाद भी जोर लगा लगा के तोड़ते ना वो भी नहीं लगती है, बहुत ईजीले टूट भी जाता है निवाला बनाते टाइम। अभी हमने इसको चपटा कर दिए है, अब चाहे तो आप छुरी से इसको छोटे छोटे पीस कर सकते हैं, ठीक है? अगर छोटे पीस पहले कर देंगे तो कूटने में उंगली आ जाएगी, इसके लिए थोड़े बड़े पीस रहेंगे तभी ही चपटे कर लेना, बाद में उसको छोटे छोटे कर लेना, लेकिन मैं यहाँ छोटे नहीं करने वाली हूँ, मैं बड़े पीस के ही बना रही हूँ, ठीक है? ये कुछ ज़्यादा बड़ा पीस है इसलिए इसको दो करिए, देखो कूटते साथ हाथ से भी टूट गया है, ठीक है? अब हम हमारा गैस लगा लेंगे, तो हमने अभी गैस लगा लिए है और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, ठीक है? अब हम ये गोश्त को इसमें इसी तरह से डाल देंगे क्योंकि हमने धो के रखे थे पहले से ही, तो तेल वेल कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। इसमें मैं डालूंगी दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और डालेंगे हम इधर नमक, इसी के साथ डालेंगे हम इसमें हल्दी, बस। अब हम इसको मीडियम गैस कर देंगे, एकदम फास्ट नहीं रखेंगे, और इसको रख देंगे ढक के थोड़ी देर पकने के लिए, गोश्त अपना पानी खुद छोड़ेगा, मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ 5 मिनट हो गया है,
देख रहे हैं आप लोग गोश्त में कितना पानी छूट गया है ना। अब मैं इसको क्या करूंगी, ढक के इसी तरीके से छोड़ दूंगी मीडियम से स्लो करके। इसको आराम से 20 मिनट तक आराम से पकने दूंगी, 20 से 25 मिनट भी हो सकता है। इसको गलाना है अभी हमको, इसके लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने रख दी हूँ एक फ्राई पैन जिसमें हम मसाले भुनेंगे। तो पहले मैं मसाले बता दूँ आपको कि जो मैंने मसाले बताई थी आपको, चिली फ्लेक्स, कलौंजी और ये मेथी दाना, ये पीली मेथी, पीली मेथी नहीं हमें, हाँ पीली मेथी नहीं पीली राय। अरे देखे मेरा बेटा इतना मास्टर हो गया है आजकल, मुझे बताने लगा है। चलो थैंक यू बेटा। हाँ, ये तो, हाँ, मेथी ये हो गया ए, पीली राय इसको हटा देंगे, ये कलौंजी इसको हटा देंगे और ये चिली फ्लेक्स। ये तीन चीजों को हमको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, ना ही भूनना है ना ही पीसना है। हमको पीसना ये है, ये जो मेथी दाना लिए हमने आधा चम्मच, हमने दो बड़े चम्मच लिए है धनिया, डेढ़ चम्मच लिए हमने जीरा, और यहाँ पे मैंने ली हूँ 7-8 काली मिरी और 8-10 कबाब चीनी, और यहाँ लिए हमने 1 चम्मच भर के राई। ये चीज़ों को हमको पीसना है, ठीक है। और 1 चम्मच ली हमने बड़ी सौंफ, बस ये चीज़ों को हमको हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं। दरदरा हो जाइए अच्छे से, मतलब कुरकुरा गरम हो जाएगा ना तो हम इसको कूट सकते हैं, हमको इसको बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, ठीक है। इसको सिर्फ दरदरा सा पीसेंगे, या आपके पास हमाम दस्ता अच्छा है तो आप इसको कूट भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से धनिए की और जीरे की खुशबू आने लग गई है। मैं गैस करूँगी बंद, यहाँ 1 मिनट से भी कम समय लगा है मुझे भूनने में, ज़्यादा देर नहीं भूनना, ठीक है, नहीं तो हमारे मसालों की खुशबू उड़ जाती है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाला अच्छे से दरदरा पीस ली हूँ, ठीक है। इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में, देख रहे आप लोग मैंने एकदम बारीक बिल्कुल भी नहीं करी हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, गोश्त गल रहा है हमारा, जब तक हम ये मसाला भी साइड में रख देते हैं। और ये जो नींबू ली हूँ मैंने, ये चारों नींबू का मैं जूस निकाल लेती हूँ, देखती हूँ कितना निकला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 नींबू का जूस निकाली हूँ, तो इतना निकला है 1/4, है ना, 4 नींबू में इतना जूस निकला है। तो आप 4 ही लेना, अगर आपके नींबू कुछ हद से ज़्यादा बड़े हैं मौसमी स्टाइल तो 2 लेना या 1 लेना। हमारे नींबू कितने छोटे छोटे थे, इसके लिए हमको 4 लेने पड़े, ठीक है। फिर भी 4 में देखो ना इतना नहीं निकला, कम ही निकला है, फिर भी हमारे आधा किलो गोश्त को इतना काफ़ी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 20-25 मिनट हो गया है गोश्त गलाने चढ़ा के, पूरा सूख चुका है एकदम, अच्छे से ड्राई हो गया है, देख रहे आप लोग नीचे अदरक लहसुन पकड़ने भी लग गया है। और यहाँ पे मेरा गोश्त अच्छे से गल गया, मैं आपको बता दूँ, ये देखो, देख रहे आप लोग, बोटी एकदम गल गई है पूरी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यही कढ़ाई के अंदर हम बर्तन नहीं चेंज करेंगे, इसी में हम तेल डाल देंगे। ये मैंने 1/2 किलो तेल ली हूँ, ये जो मैं फॉर्चून वापरती हूँ। आपको अगर राई का लेना है आप राई का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं राई का सिर्फ आम के अचार में यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ पे अभी ये तेल इसी तरीके से डाल दूँगी, सिर्फ आधा तेल डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, ताकि हमारा गोश्त अभी अच्छे से गल गया है और यहाँ पे अभी तेल गर्म भी हो जाएगा, और हम यहाँ पे इसको 2 से 4 मिनट तक यही तेल में फ्राई कर लेंगे। गैस चालू है? हाँ गैस चालू है। तो यहाँ पर 5 मिनट मैंने अच्छे से फ्राई कर ली हूँ गोश्त को वही तेल में और वही कढ़ाई में। जिधर देखो मेरा अदरक लहसुन साइड साइड से जो ये पकड़ रहा है ना, उसका टेंशन मत लो, उसकी भी खुशबू अलग से आ रही है माशाल्लाह। बर्तन हम लोग धो लेंगे ना? हाँ वो तो धो लेंगे, वो तो होते रहता, धुलते रहते बर्तन। अब हम यहाँ क्या करेंगे, गैस करेंगे एकदम स्लो, बंद नहीं करेंगे, इसको पकने देंगे, इसका कोई मुश्किल नहीं है। ये जितना पकेगा इसका अंदर का पानी उतना सूखेगा। ये फ्राई करने का एक ही मतलब है, जो हमने गलाने के टाइम पानी सुखाए थे उसके लिए हम कंफर्म हो जाए कि हाँ पूरी तरीके से पानी सूख चुका है। इसके लिए बस 2 मिनट तेल में फ्राई करना पड़ता है। इसमें पानी रहेगा तो जल्दी खराब होने का डर है ना, इसके लिए एकदम ज़्यादा कड़क नहीं करना हमको बोटी ऐसा खींच खींच के खाने। बोटी एकदम सॉफ्ट ही रहनी चाहिए। देखिए मेरी बोटी अभी भी 2-3 मिनट से पका है, लेकिन मेरी पूरी बोटी अभी भी सॉफ्ट है, एकदम कड़क नहीं करना है। बस धीमी आंच पे उसको तल लेना है।
अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ तेल था हम ये कढ़ाई में डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा गरम होने देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मेरा तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हींग, इसके बाद डाल देंगे हम ये अदरक के छोटे छोटे जो पीस करके रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने लहसुन ली हूँ इसको मैंने फोक की मदद से अच्छे से टोच ली हूँ, इसको मैं कुछ लूँगी नहीं, अक्खे अक्खे डालूंगी क्योंकि मैं ये खाती हूँ अक्खे अक्खे निकाल के। इसके बाद डालूंगी मैं यहाँ पे जो ये लाल सूखी मिर्ची ली हूँ, ठीक है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारा मसाला है, ये जो मसाला है इसमें हम डालेंगे कलौंजी, ये चिली फ्लेक्स और ये पीली राई पीली है ना, लेकिन इसको जरा सा लाल करने देंगे पहले। और इसी के साथ हम इसके अंदर ये मिला लेंगे मिर्ची की बुक्की, हल्दी की बुक्की, हल्दी की बुक्की और ये धनिया की बुक्की, बुक्की एक चम्मच, और बाकी जो हमने पूरा मसाला रेडी करे थे वो है ना। अब ये हमारा अदरक और ये लहसुन और ये मिर्ची अच्छे से फ्राई हो गया, क्यों मालूम, ये अदरक है ना ज़्यादा कोई खाता नहीं है, लेकिन क्या इसका फ्लेवर है ना अच्छा आता है, क्योंकि ये गोश है ना, गोश में अदरक लहसुन का फ्लेवर अच्छा आता है। आप लोग देखिए मैंने उसको गलाने में भी डाली थी है ना, गलाने में भी दो चम्मच ऐड करी थी। क्यों इसमें अदरक लहसुन एक्स्ट्रा से डाल के रखना पड़ता है ऐसा, क्योंकि हम देखो उसके अंदर जो है ना नमक ज़्यादा डालते, किस में, आम के अचार में ढेर सारा नमक डालते हैं जो अब्जर्व हो जाता है, पिघल जाता है और खारा नहीं होता है। लेकिन गोश के अचार में यही फर्क है, हमको नमक हमारे सालन के हिसाब से जिस तरह डाला जाता है उस तरह पड़ता है, आम के अचार में जैसा ढेरों पड़ता है वैसा नहीं पड़ता है, इसके लिए सोच समझ के नमक यूज करना। अब हम डाल देंगे इसमें ये सारा मसाला, हाँ 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 खुशबू मस्त आ गई एकदम फट से डालते साथा। अब डालेंगे हम इसमें नमक। एक बात कॉमन है, चाहे आम का अचार हो चाहे कैरी का अचार हो, आपको तेल भरपूर डालना है, वो तेल के अंदर अच्छे से डिप करके होना चाहिए जिस चीज का भी आप अचार बना रहे हो, ठीक है। अब हमने इसको एक मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है और यहाँ गैस मैंने कर दी हूँ बंद, यहाँ मेरा गोश्त अच्छे से गल गया है, इसको भी मैं ये तेल के साथ ही पूरी तरीके से ऐड करूँगी। और अगर जिसको सूखा अचार बनाना है तो आप सेम प्रोसीजर से मेरे अचार बनाइए, आप खाली तेल की क्वांटिटी कम कर दीजिए, ठीक है। अभी हम बोतल में जो ये अचार भरेंगे हम दूसरा तेल बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, यही तेल यूज करेंगे क्योंकि यही तेल काफी है हमारे अचार के लिए, ठीक है। अब बस मैं इसको एक मिनट के लिए पका लूंगी क्योंकि हमारा अचार अच्छे से रेडी हो गया है, इसमें बस लींबू का जूस है वो पड़ना बाकी है, लेकिन मैं जरा इसको तेल में और एक मिनट पकाना चाहती हूँ, इसको पकने दीजिए। तो यहाँ पर एक मिनट मैंने इसको अच्छे से पकने दी हूँ, अब हम डालेंगे ये नींबू का जूस, ये कम से कम चार बड़े चम्मच तो होगा क्योंकि इसमें खटाई के लिए मैंने कुछ भी यूज़ नहीं करी ना ही मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाली हूँ ना ही खटाई के लिए कुछ और डाली हूँ, इसके लिए इसमें मैंने चार चम्मच बड़े बड़े डाल दी हूँ। अभी मैं एक मिनट और वो भी पका लेती हूँ जो नींबू का जूस डाली हूँ, ताकि हमारे गोश्त में नींबू का जूस अच्छे से चले जाए और ये मिर्ची भी खाने में बड़ी मस्त लगेंगी, अभी खट्टी खट्टी, ये लहसुन उठा के चबा के खा सकते हैं। हमारे घर में तो ना गोश्त का अचार रहो चाहे आम का अचार रहो या नींबू का अचार रहो, साइड में कर देंगे और मसाला लेंगे, हमें मुर्गी का अचार भी बनाएंगे हाँ बनता है ना, हाँ बनता है, तो कमेंट्स करो बनता है, जिसको मटन नहीं पसंद, मटन नहीं खाता वो चिकन का अचार देखना चाहता है तो कमेंट करो, पक्का बनता है, ठीक है। तो अभी एक मिनट पकाएंगे इसको, हाँ एक मिनट पकाएंगे बस। तो यहाँ पर एक मिनट हो गया है और मैं गैस करूंगी बंद और यहाँ पे मेरा गोश्त का अचार मस्त वाला रेडी हो गया है, देख रहे आप लोग है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको कांच की बर्नी में या प्लास्टिक की बर्नी में जिसमें भी आपको रखना है अच्छे से एकदम टाइट वाले ढक्कन वाले डब्बे में रखना, लेकिन वो भी पानी वगैरह ना लगे। और इसको रखना कैसा, फ्रिज में रखना, ठंडा होने के बाद दो चार घंटा ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रखना,
क्योंकि ये देखो बिना फ्रिज के तो मैंने रखी नहीं कभी, बिना फ्रिज के ये 8 दिन ऊपर रह सकता है। अगर आपको महीना दो महीना खाना है तो आप इसको बना के फ्रिज में रखना। गांव देश में तो कैसा ठंडा आंगन होता है, बाड़ा होता है, तो वहां पे बर्नी रख दी जाती है ठंडी जगह पे, तो ये 6 महीने भर खा लेते हैं। लेकिन हम बम्बई में रहते हैं तो हमारे पास ऐसा गर्म जगह है सब, तो हमको फ्रिज में ही रखना है। ठीक है, आप सोचेंगे आप ये अचार बना के रख देंगे 6 महीना खाएंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, फ्रिज में रख के खाएंगे तो महीना दो महीना चलेगा आराम से। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना गोश्त का अचार, ये देखो हमने ना अचार, मटन अचार, ये देखो हमने ना बर्नी में डाल के रखे है और ये हमने निकाले है खाने, यानी कि टेस्ट करने के लिए। ओहो बोटी देखो क्या दिन आ गया यार, अचार रोटी खाना पड़ रहा है। ऐसा मैंने सुना बहुत लोगों के मुंह से डायलॉग, मैं बोली तू बोल रहा मैं भर देती थी इसका। ऐसा अचार मिलेगा मटन वाला तो यार कौन नहीं खाएगा, रोज खाएगा। नहीं मैं सुना नहीं ऐसा डायलॉग में यार, अचार रोटी क्या दिन है, क्या दिन आ गए अचार। नहीं नहीं मैं मस्ती कर रहा हूँ, ऐसा ये गलत मत ले लेना, मैं जस्ट मजाक में बोला ऐसा। बट सही में अम्मी ने देखो क्या मसाले डाल के गोश्त का अचार बनाया है। पहले तो देखो रोटी अपनी हुई टुकड़े, अम्मी पहले ना मैं गोश्त बता क्या गला हुआ यार सही में माशाल्लाह। ये देखो गोश्त बता जल्दी बता, एकदम मक्खन है देखो, एकदम मक्खन जैसा गला हुआ। इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डालिया मैंने। पहले ना मैं अम्मी को ना ऐसा मसाला लगा के ना खाली गोश्त खिलाता हूँ, क्योंकि गोश्त का अचार उसके बाद रोटी। ये देखो मसाले बिस्मिल्लाह। अब मैं बता दो, ये लिया मैंने खाली ये रूखी बूटी है और ये रहा मसाले इसके नीचे। बिस्मिल्लाह, दाल चावल के साथ ऐसा अचार मिलेगा तो कौन नहीं खाएगा। गजब, मैं भी रोटी के साथ, रोटी के साथ बोटी और बोटी के साथ अचार। अरे बाप रे बाप, बड़ा नहीं वाला खाना चाहिए, मजा आता है तभी टेस्ट का एक्चुअल मालूम पड़ता है क्या टेस्ट है। अब आओ ये देखो, ये लिए हमने बोटी, ये हमारी बोटी और ये रहा मसाले। ओहो हो बता। मस्त, उसके मतलब का बन गया आज। फाइनली गोश्त का अचार भी मैंने बना ही दिया। और एक बात बोलूंगी, ये अचार जो है ना, जैसा हम आम का अचार रखते तो एक हफ्ता दो हफ्ता रखने के बाद उसमें टेस्ट आता, उस तरह गोश्त के अचार में भी है। अचार तो बहुत अच्छा बना लेकिन इसमें खटाई का कमी अभी भी महसूस हो रही है। नींबू, हाँ नींबू नहीं खटाई जो भी हो, हाँ, मतलब जैसा आमचूर मैंने नहीं डाली। अगर आपको ज्यादा खट्टा चाहिए तो आप 2 चम्मच इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे को जो मटन का मजा आ रहा है ना चटपटा वाला, मैंने नहीं करी क्योंकि मैंने 4 नींबू का जूस डाली हूँ, वो भी देखे 1/4 कप निकला है, इसमें कम से कम आधा कप जाना चाहिए। और इसमें मैंने विनेगर नहीं डाली हूँ क्योंकि हमारा यहाँ 1/2 किलो का है, ये झटपट खत्म हो जाएगा। जैसा आप 5 किलो 10 किलो का बना रहे हैं तो विनेगर डेफिनेटली जरूर डालना क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। विनेगर डालने से हाँ एक्सपायर डेट बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। मैं इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरा थोड़ा सा है और आप लोगों को मालूम है अचार किसका बना है, मटन का। तो सोच लो आप फटाफट, ये कब तक रहने वाला तो है नहीं। तो दूसरी बात, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हो और आप सोचेंगे कि हम आम का अचार जिस तरह कोई गर्म जगह पे रख देते हैं तो महीनों महीनों चलता है तो ये भी चलेगा गोश्त का अचार, नहीं बिल्कुल नहीं चलता है। मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ, अब बनाने वाले बनाते भी है, रखने वाले रखते भी है। अचार दुकानों में मिलता है क्या? नहीं मिलता है, ये तो हैदराबाद का जो बने हुआ है, ये गोश्त का अचार हैदराबाद। अच्छा ऐसा है क्या? हैदराबाद ने बनाया, हैदराबाद का है। हाँ तो मैं तो यही बोलूंगी, देखो मैंने तो कभी नहीं रखी इतना दिन, मैं ज्यादा से ज्यादा इसको 15 दिन महीना भर के आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये अच्छा रहेगा, अच्छे से खा सकते हैं। आप बोलेंगे 6 महीना साल भर, तो नहीं मैं नहीं मानती क्योंकि ये गोश्त है, कितना भी बोले तो इसका हम नमक इसमें सोच समझ के ऐड करते हैं, नमक ढेर सारा रहेगा ना तो वो भी एक काम करता है लंबा चलने के लिए। लेकिन इसमें हम नमक नहीं डालेंगे ना, हमारा गोश्त ही खारा हो जाएगा। हाँ। वहां पे नींबू खारा नहीं होता है, आम खारा नहीं होता है, वो पिघल के उसका पानी होके उसकी सेल्फ बढ़ा देता है, ये पूरा सोख लेगा। ये हमें फर्क बता रहे मटन। हाँ। और अपने नॉर्मल से फ्रूट्स के। हाँ। अचारों में
जो हम आम का अचार में डालते हैं नमक ढेर सारा, तो वो पिघल के ज्यादा दिन उसकी सेल्फ बढ़ा देता है। इसमें आप डालेंगे तो ये पिघलने वाला नहीं है, आपका जो मटन है वो नमक को सोख लेता है। हाँ। वो कभी पिघलने नहीं देगा आपके नमक को और उसकी सेल्फ बढ़ाने को। नमक जो है गोश्त को सोख लेता है तो ये ज्यादा दिन नहीं। वैसे फिर ये वहाँ की दुकानों में भी मिलता होगा हैदराबाद के? नहीं भाई, कमेंट्स करके जरूर बताना अगर कोई भी हैदराबाद का बंदा है या फिर ये वीडियो देख रहा होगा, अगर आपके हैदराबाद के वहाँ पे कोई दुकान में या फिर कहीं भी, यहाँ कहीं भी कोई किसी भी दुकान में मिलता होगा तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि कहाँ मिलता है अगर ये गोश्त का अचार। ये जो छह महीना जो चलता है, साल भर जो चलता है ना बेटा, वो जो गोश्त को महीनों पहले सुखाया जाता है, नमक और अदरक लहसुन लगा के उसको रस्सी पे, हाँ उसको पूरा सुखाया जाता है अच्छे धूप में या ऐसा हवे में पंखों में, तब जाके उसकी सेल्फ बढ़ती है। तो और वो अभी वैसे ये झटपट वाला भी है, अचार बनता है ये झटपट वाला, एकदम फटाफट भी बनता है और टेस्ट भी एक नंबर है। तो आप अपने बोलते ना ईद के मौके पे जरूर इसे ट्राई करना, अगर ईद में नहीं भी ट्राई करना तो आप उससे पहले या उसके बाद भी बना सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा नहीं देखो इतना बना है मटन का अचार। एक महीने के लिए हर कोई सोचता है बकरीद में के मटन बचा है तो क्या, इजी तरीके से एक महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं इस तरीके का अचार बना के। हाँ ठीक है, बहुत से कमेंट आए थे जिसने भी कमेंट किया था ना कि भाई गोश्त का अचार बनाओ, तो अब वो फटाफट ये वीडियो को शेयर करने का प्लीज। हाँ मैं भी बनाऊंगी, ये बारी को मटन आएगा तो मैं खुद बनाऊंगी, मस्त बना जरूर बना। लेकिन अभी ये तो मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन मटन मंगा के बना के बता। हाँ ये गोश्त भी हमने ऑनलाइन मंगाए थे। हाँ तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो गाइस प्लीज अब कब करोगे सब्सक्राइब बकरा ईद में, और एक बात जल्दी से सब्सक्राइब करो। मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि मैंने इसको गलाने के टाइम पे बिल्कुल पानी का यूज नहीं करी। हाँ। हूँ क्यों नहीं करी हूँ, क्योंकि मैंने इसको कूट ली थी ना जो हम पीटे थे उसको, तो उस वजह से मुझे पानी डाल के गलाने की जरूरत भी नहीं महसूस हुई और मेरे बच्चे जैसा गोश्त खाते वैसा गल भी। अभी नीचे दाल चावल के साथ भी खाना है, देखो यहाँ मेरी दो रोटी बची है मसाले खत्म तो हो गए। इसी तरीके से आप लोग भी बनाने की कोशिश करना, खा के कोशिश करना, फोटो बना भेजना मुझे। फोटो कहाँ भेजोगे? इंस्टाग्राम पे अगर आप हमारी रेसिपी ट्राई करते हो तो आप हमें अपनी फोटोज यानी कि जो बनाते हो रेसिपी उसकी फोटो शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो उसको ओपन करो और फॉलो भी करो। ठीक है, और जल्दी जल्दी कमेंट्स करो कौन कौन सी रेसिपी और चाहिए आप लोगों को। अल्लाह हाफिज। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।